जिस तरह आज न्यूजीलैंड ने बैटिंग का आगाज़ किया था, ऐसा लग रहा था उनको लाइसेंस मिला हुआ है आज के भाई बस ज़रा सी विड्थ, बल्कि विड्थ ना भी मिले तो बॉल को हिट करो। वहाँ उन्होंने स्टार्ट भी बहुत अच्छा लिया, आई थिंक 4 ओवर में 42 रन मेरे ख्याल से वो बना चुके थे, लेकिन लाला उसके बाद से जो कमबैक पाकिस्तानी बॉलर्स ने किया, स्पेशली हारिस रऊफ, मेरे ख्याल से अब तो शायद इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए कि आई थिंक इस वक्त इंटरनेशनल लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट में हारिस रऊफ जैसा डेथ ओवर का बॉलर जो है ना, वो तो बहुत ही मुश्किल है। आज भी आखिरी ओवर में शायद 3 रन दिए और 2 विकेटें भी हासिल की हारिस रऊफ ने, कमाल छाए हुए हैं बिल्कुल। नहीं, हारिस बहुत अच्छी बॉलिंग, काफी अर्से से बड़ी जबरदस्त बॉलिंग कर रहा है और ये अच्छी बात है कि हारिस जो है वो बिग बैश खेला हुआ, उसको ऑस्ट्रेलिया की कंडीशंस का पता है, पिचेस का पता है। इस वक्त वर्ल्ड क्रिकेट में अगर देखा जाए तो मेरे ख्याल में मैं उसको टॉप पे रखूंगा, जैसे इंडिया का बुमराह है, मेरे ख्याल में ये डेप्थ ओवर बहुत जबरदस्त करते हैं ये लोग। ये इनके स्लो वन इसलिए कि आम बहुत तेज चलता है इनका बॉल करते हुए, तो उसमें स्लो वन इतना इजी नहीं होता रीड करना, तो आई थिंक दे इज डूइंग हिज जॉब माशाल्लाह।